नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसमें ब्रिक्स का फंसा हुआ पेंच ये फंसा हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन, जिनको लेकर जो कुछ विशेष ऑपरेशन यूक्रेन में चला रहे थे, हम सबको मालूम है कि वो ऑपरेशन चलने के पीछे उनका उद्देश्य, उन्होंने साफ क्लियर किया कि हमारा उद्देश्य ये है कि जिस समय यूएसएसआर हुआ करता था उस समय यूक्रेन उनके परमाणु संयंत्रों का और उनके रिसर्च सेंटर हुआ करता था, वो सेल्स पॉइंट भी हुआ करता था। बाद में यूएसए ने शीत युद्ध चलाकर यूएसएसआर को तोड़ा और वो यूक्रेन को अपने साथ खींचने में सफल हो गए। यूक्रेन में नए मुख्यमंत्री, नए प्रधान राष्ट्रपति आए, व्लादिमीर वो जेलेंस्की, और जेलेंस्की कैसे आदमी थे जो नाटक से आए थे, पॉलिटिक्स से नहीं आए थे। मतलब वो एक शो किया करते थे जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से वो चुनाव लड़े तो वो राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने से पहले उनका कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं था, इंटरनेशनल अनुभव तो बहुत दूर की बात है। परिणाम ये निकला कि वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने बहुत जल्दीबाजी दिखाई नाटो में जाने के लिए। नाटो कंट्री तो कुछ न कुछ जाल बिछाए बैठे ही थे। उधर व्लादिमीर पुतिन या रशिया ने उनको मना किया और कहा कि भले ही न्यूट्रल जोन रहो लेकिन नाटो में मत जाओ, क्योंकि नाटो शीत युद्ध करवाने के पीछे नाटो का बहुत बड़ा योगदान था और शीत युद्ध के पीछे यूएसए, और नाटो को यूएसए कहीं ना कहीं हेड करता है, तो उसका इसकी वजह से रशिया लगातार उनको मना कर रहा था। लेकिन जेलेंस्की तो भाई मैंने जैसे कहा कि वो इंटरनेशनल खेलों को नहीं जानते थे या फिर वो पॉलिटिक्स में एकदम नए थे। नतीजा निकला कि उन्होंने जल्दी से जाना शुरू किया और रशियन जो लोग यूक्रेन में रहते थे उनको ले जाना सताना शुरू किया, वहाँ बहुत सारे ऑपरेशन चला दिए रशियंस के लिए। उनका मानना ये था कि रशियंस यहाँ से जासूसी करते हैं। अब रशियन वहाँ सौ सौ साल से इसलिए रह रहे थे क्योंकि यूएसएसआर का हिस्सा था, तो वो एक दूसरे स्थानों पर रह रहे थे। जब रशियंस के ऊपर ये हमले शुरू हुए तो परिणाम ये निकला कि रशिया ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने। परिणाम स्वरूप जिन एरियों में रशिया के लोग रहते थे, रशियन मूल के लोग थे, उन एरियों को न छूने की हिदायत दे दी गई और उनको स्वतंत्र घोषित करने की बात कर दी। लेकिन जेलेंस्की कैसे ऐसा मान सकते थे, या कोई भी कंट्री क्यों मानेगा। परिणाम ये निकला कि रशिया ने अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास करके दो क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट टेरिटरी घोषित कर दिया, उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब उन क्षेत्रों में जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उन क्षेत्रों में जैसे ही यूक्रेन ने हमला किया तो वो रशिया के ऊपर हमला माना गया, रशिया के ऊपर हमला माना गया तो रशिया ने विशेष ऑपरेशन चलाने शुरू कर दिए। हालांकि अभी तक जो बातें सामने निकल कर आईं उनमें ये बात स्पष्ट होती है कि रशिया ने कभी किसी सिविलियन एरिया में हमले नहीं किए, रशिया ने केवल ऑपरेशन चलाए हैं और वो ऑपरेशन खासतौर से जहाँ पर परमाणु संयंत्र लगे हुए थे, जहाँ पर रिसर्च सेंटर बने हुए थे, जहाँ पर उनके आयुध सेंटर बने हुए थे, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप किया करते थे जो कभी यूएसएसआर डेवलप किया करता था, वो ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। अब इस बात को यूक्रेन पर इस प्रकार का ऑपरेशन, अमेरिका चूंकि यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ था इसलिए अमेरिका ने बड़ी धमकियां शुमकियां देने का प्रयास किया कि रशिया को धमकियां दी जाएं। यूरोप अमेरिका के साथ ही खड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो एक ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि अमेरिका पर आज भी यूरोपियंस का कब्जा है। यूरोपियंस का कब्जा जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं यूरोप का कब्जा, यूरोपियंस जो वहां पर माइग्रेट किए थे कभी यूएस में उन वो वहाँ छूट गए, सरकार वहाँ से स्वायत्त हो गई। सरकार स्वायत्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वहाँ नेटिव इंडियंस का वो हो गया शासन वहाँ यूरोपियंस जो बस गए, जो वहाँ रह गए उनका ही रहा। तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ये सब एक ही ब्रीड है और वो सब एक साथ दिखाई पड़ते हैं। ये इनको आप सामूहिक रूप से कहें तो आप ईसाई टेरिटरी कह सकते हैं, जो उस तरह उस साइड के ईसाई लोग हैं। लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईसाई और जगह नहीं है या ईसाई रशिया में नहीं, सब जगह हैं। अब वो सब एकजुट हो गए रशिया के खिलाफ कि रशिया उनके लिए खतरा दिखाई दे रहा था। नतीजा निकला कि उन्होंने रशिया के खिलाफ तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, सब देशों को हड़काया, धमकाया, भारत को भी धमकाया हड़काया। हालांकि भारत
उनके प्रेशर में आया नहीं और भारत लगातार स्टेटमेंट देता रहा कि भैया हम अपने मामलों के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। परिणाम ये निकला कि रशिया को जब हमने छोड़ा नहीं तो यूएस ने हमको कंसेशनल ऑफर देने शुरू कर दिए और तमाम तरह की यूरोपियन कंट्रीज हमारे पीछे लग गए। तब तक आ गया रिसेशन, और रिसेशन आ गया तो फिर भारत ही एक मार्केट संसार में है जो रिसेशन से दूर करवा सकती है। भारत के ऊपर जीरो रिसेशन का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। भारत इस रिसेशन के बावजूद, कोरोना के वजह से रिसेशन आया हो, यूक्रेन की वजह से रिसेशन आया हो, कुल मिलाकर इस रिसेशन के होते हुए भी भारत अपनी ग्रोथ को विश्व में सबसे तेज बढ़ाने में सफल हो गया। उसका कारण शायद ये रह सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो एक विज़न रखते हैं, या भारत में जो सरकार है वो एक तरह से वो उसके पास अपना एक लॉजिक है। लेकिन कुल मिलाकर भारत अग्रणी नंबर एक पर रहा। अब एक नया पेच उसमें फंसा, और नया पेच यह फंसा कि ब्रिक्स का पार्ट है भारत। ब्रिक्स कंट्रीज हम कहते हैं भारत, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, ये पांच कंट्री मिलकर ब्रिक्स कंट्री बनाते हैं। इनकी अपनी बैठक होती है, और आप सोच कर देखो कि ब्राज़ील अगर वहाँ से लैटिन अमेरिका से ले लिया जाए, रशिया इधर ले लिया जाए, चाइना इंडिया इधर ले लिया जाए, साउथ अफ्रीका अगर अफ्रीका में ले लिया जाए, तो खाड़ी कंट्रियों को छोड़कर ब्रिक्स प्रत्येक कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है। और चूंकि प्रत्येक कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आप जो बड़े कंट्री हैं, इन अगर पाँचों कंट्रियों की टेरिटरी आप मिला देंगे, टेरिटरी से मतलब मैं कहता हूँ विश्व की सबसे बड़ी टेरिटरी रशिया है, विश्व की सबसे बड़ी टेरिटरियों में से चाइना है, विश्व की सबसे बड़ी टेरिटरियों में से भारत है, विश्व की सबसे बड़ी टेरिटरियों में से ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका बड़ी टेरिटरी नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप की सात टेरिटरीज देखोगे तो उसमें कैनेडा और अमरीका ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए, यूएसए कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए, तो फिर आपको टॉप के जो कंट्री हैं वो सब ब्रिक्स में दिखाई दे रहे हैं। अब ब्रिक्स कंट्रीज अपने आप में एक पावर हब है, क्योंकि भारत, चाइना और रशिया को ही मिला देंगे केवल, तो ही आपको एक वो दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मार्केट के उद्देश्य से अगर आप देखोगे तो चाइना विश्व की बड़ी मार्केट है, लेकिन वो दूसरों के लिए खोलता नहीं। भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केट है, वो खुली हुई है। ब्राज़ील विश्व की बड़ी मार्केट है, वो खुली हुई है। रशिया बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत नहीं। तो अगर इन पांच कंट्रियों की बात करेंगे तो ये विश्व में प्रवेल करने की स्थिति रखते हैं, अगर एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लें। और चाइना जैसा दुष्ट इन कंट्रियों का हिस्सा ना होता, अगर चाइना की जगह कोई और कंट्री होता जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह होता, तो शायद ये जो पांच देशों का ग्रुप है ये विश्व पर प्रवेल कर रहा होता, ये नाटो शाटो को भी फेल कर देता। आप सोचो कि क्या लाएगा नाटो जब रशिया, चाइना और इंडिया मिलकर अगर कोई आर्म फोर्स बना ले, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन उधर दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रियों ने, जिनको मैं ईसाई कंट्री कहता हूँ, इन्होंने एक इलॉजिकल इंटरनेशनल फोरम बना रखा है, वो ट्रिब्यूनल उसको कह सकते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ये बात चलनी वहाँ शुरू हुई थी कि भाई एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल होना चाहिए या फोरम होना चाहिए। वो सहमति थी, लेकिन रेटिफिकेशन नहीं हो पाया, कभी बन नहीं पाया। बाद में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बना रोम में, उसको अंगीकृत किया गया, उसका अपना एक सेक्रेटरेट है, उसका अपना एक ऑफिस है, उसका अपना एक बाकायदा सिस्टम है जहाँ मुकदमा चलता है, उसकी एक जुडिशल बॉडी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल लॉ कोई लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ इज़ ए कॉमिटी, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो एक संस्था है। अगर हम मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो नहीं मानते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी उस आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उससे पहले उसको आर्बिट्रेशन कोर्ट कहा जाता था। तो वही आज इंटरनेशनल वो बन गया, कोर्ट बन गया। तो वहाँ पर भी बाइंडिंग नेचर नहीं है। बाइंडिंग नेचर इसलिए नहीं, अगर भारत सहमति नहीं देता और पाकिस्तान कोई कंट्री हमारे खिलाफ शिकायत लेकर जाता तो हमारी सहमति के बगैर वहाँ सुनवाई नहीं हो सकती। हमने सहमति कुछ दे रखी है कुछ मामलों में, वाई बी चौहान उस समय गृहमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कुछ चीज़ों में हमें उन्हें सहमति दी थी। उन चीज़ों में जिसमें हमने सहमति दी उसमें तो इंटरनेशनल
लॉ के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, बाकी में नहीं चलाया जा सकता जब तक सहमति ना हो। क्योंकि आर्बिट्रेशन की खास बात ये होती है कि दो लोग आर्बिट्रेशन बोर्ड में हैं, आर्बिट्रेशन में हैं, उन दोनों की सहमति होना आवश्यक है, उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। अब दो की अगर सहमति नहीं तो नहीं चल सकता। वैसे ही इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना लिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अब चूंकि डोमेस्टिक लॉ हमारे यहाँ है, इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है, तो फिर आप इंटरनेशनली किसको ट्रीट करेंगे, किसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे? आज की पोजीशन ये है कि लीगली डोमेस्टिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द इंटरनेशनल कॉमिटी। अब डोमेस्टिक लॉ अगर प्रिवेल करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश की जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, हम उसके तहत मुकदमा चलाएंगे। हम आपके इंटरनेशनल जो आप बता रहे हो उससे हम बंधे हुए नहीं हैं। और हम कैसे मुकदमा चला सकते हैं वहाँ, या कोई भी कैसे चला सकते हैं, जब तक हमारी सहमति ना हो? तो इंटरनेशनल लॉ इज लॉ बिकॉज वी आर रिकॉग्नाइजिंग एज ए लॉ। ये बात दूसरी डेफिनेशन आती, वैसे तो इंटरनेशनल कॉमिटी है वो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ लॉ इसलिए है क्योंकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो कंट्री रिकॉग्नाइज करता है वो उसका पार्ट होता है। अब बहुत सारे कंट्री उसके पार्ट हैं, मैं मोटा मोटा बता दूं, चाइना उसका पार्ट नहीं है, ब्रिक्स कंट्रियों में केवल साउथ अफ्रीका उसका डेजिग्नेटरी है, उसका सिग्नेटरी है, यूएसए भी उसका सिग्नेटरी नहीं है। आप ध्यान रखो कि जब यूएसए उसका सिग्नेटरी नहीं है तो फिर ये यूरोपियन कंट्रीज और खासतौर से अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज ने और कुछ एशियन कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया हुआ है, और इसको वॉर क्राइम अगर कहीं हो, कोई जेनोसाइड करता है कोई रूलर, तो उसके लिए बनाया गया है। जैसे गद्दाफी जेनोसाइड करता था, अब आज की तारीख में अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जेनोसाइड का बड़ा केंद्र बना हुआ है, पाकिस्तान बड़ा केंद्र बना हुआ है, अफगानिस्तान भी उनका हिस्सा है आईसीसी का। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि यूक्रेन जब आईसीसी में गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया, तो उसमें जब रशिया को उन्होंने वॉर क्रिमिनल ठहरा दिया, जेनोसाइड के लिए ठहरा दिया, कि भाई रशिया नहीं, इंडिविजुअल, जबकि देखो लॉजिकली ये ठीक नहीं। जब कंट्री डिसीजन लेता है तो उसके प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो प्रेसिडेंट सोल अथॉरिटी नहीं होता है, डिसीजन मेकर नहीं होता, उसकी अपनी कैबिनेट होती है, उसका एक सिस्टम होता है, तब वो कोई काम करता है। तो आप रशिया के प्रेसिडेंट अकेले को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? डिसीजन तो उनकी आर्मी ले रही है, उनकी फोर्स ले रही है, उनका डिसीजन तो उनकी कैबिनेट ले रही है, डिसीजन तो उनकी पार्लियामेंट ले रही होगी। वो कुछ ग्रुप टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो सब जगह होते हैं, विपक्षी करते हैं, हम अच्छे काम, बहुत अच्छे काम भी करने जाते हैं तो भी विपक्षी कुछ ना कुछ सवाल खड़े करते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रशिया के खिलाफ आप चला सकते हैं कि भाई रशिया इसमें ये कर रहा है, लेकिन आप व्लादिमीर पुतिन को टारगेट करेंगे, भाई पुतिन प्रेसिडेंट हैं इसलिए पुतिन के आदेश से सब कुछ हो रहा है, जबकि कोई मुकदमा नहीं चला। तो यूक्रेन ने वहाँ एप्लीकेशन किया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को दोषी ठहरा दिया और पुतिन को सजा करने के आदेश कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुतिन को सजा तो आपने बोल दी, लेकिन पुतिन को पकड़ेगा कौन? पुतिन को गिरफ्तार करने के बाद कौन फांसी पर लटकाएगा? ये भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, उसके लिए फोर्स चाहिए, इंटरनेशनल फोर्स तो आपके पास है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुतिन को पकड़ने के लिए रशिया से युद्ध करना पड़ेगा, और रशिया से युद्ध करने की स्थिति ये है कि आप यूक्रेन के बिहाव पर खड़े तो होना चाहते नहीं, यूक्रेन की फौज के साथ खड़े होना नहीं चाहते, आप यूक्रेन को सप्लाई दे रहे हो, हथियार दे रहे हो, लेकिन यूक्रेन की फौज के साथ लड़ना तक नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको लड़ना आता है, आपको लड़ना नहीं आता, आप लड़ने से बहुत पीछे भागते हैं, सभी एक दूसरे को कैसे इधर से उधर चुगलखोरी करके इसको समझा के उसको समझा के लड़वा लो, ये सब उन कंट्रियों का काम है। तो फिर जब कोई कंट्री यूक्रेन में घुसकर रशिया के खिलाफ लड़ नहीं रहा है, तो फिर आप सोचो कि पुतिन को पकड़ने के लिए रशिया से सीधा युद्ध कौन करेगा और कैसे करेगा, किस पावर से करेगा? अमेरिका तो पीछे भाग रहा है लगातार, यूक्रेन को लग रहा था कि अमेरिका उसका सहयोग करेगा, लेकिन अमेरिका ने उसको केवल हथियार सप्लाई, पैसा, ये सब कुछ दिया, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ बिल्कुल, और अपनी सेना नहीं भेजी, अपना कोई फोर्स नहीं भेजा, कुछ नहीं किया, वो केवल दूर से बात कर रहा था। तो फिर आप सोचो अमेरिका भी रशिया से सीधा क्यों लड़ने की स्थिति में आ जाए? रशिया से लड़े बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, अगर रशिया से नहीं लड़ोगे तो पुतिन की गिरफ्तारी कैसे होगी, क्योंकि देश उनका खड़ा है। अब यहां पर चूंकि साउथ अफ्रीका डिजिग्नेटरी है या साउथ सिग्नेटरी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, तो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक होने जा रही है, उसमें पांचों कंट्रियों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जाएंगे, पुतिन को भी उसमें जाना था। यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से ये कहना शुरू किया कि आपके यहाँ पुतिन आने वाले हैं, चूंकि तुम सिग्नेटरी हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी करो, और पुतिन की गिरफ्तारी तुमको करनी पड़ेगी क्योंकि तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पार्ट हो,
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को साइन किया। हालांकि भारत ने साइन नहीं किया, रशिया ने साइन नहीं किया, चाइना ने, ब्राजील ने, कोई नहीं है उसके पास, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से कह रहे हैं कि आप उनकी गिरफ्तारी करो। ऐसे ही उन्होंने 2015 में भी सूडानी प्रेसिडेंट के लिए कहा था, उनको सूडानी प्रेसिडेंट, सूडान के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल ठहरा दिया था, और उस समय भी वो वहाँ विजिट करने वाले थे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका से कहा कि उनकी गिरफ्तारी करो सूडानीज की। उस समय भी साउथ अफ्रीका बिल्कुल साफ साफ सामने सामने आ गया था और उसने कहा था ये संभव नहीं है, आप लोग जो करें वो करें, हमारा जो मेहमान है हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, सूडानी प्रेसिडेंट, जबकि सूडान तो आप जानते ही हैं कि सूडान में क्या चल रहा है। अब सूडान ने इस्लाम भी छोड़ दिया है, क्योंकि इस्लाम की वजह से ही सूडान में इतनी बड़ी समस्याएं आई हैं। उनका मानना है कि इस्लामिक युद्ध होने की वजह से सूडान सदैव से गृह युद्ध में रहा है, हम इस्लाम ही छोड़ देंगे। अब वहां का जो नेशनल लॉ है, जो वहां का नेशनल धर्म है, वो इस्लाम नहीं है, वो अब सेकुलर हो गए हैं, कुल मिलाकर वो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के रास्ते पर चल दिए हैं। तो सूडानी, सूडान में कितना अत्याचार होता है, सूडान को तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं करने दिया। जब इन्होंने, हमें यूरोपियन कंट्रीज ने प्रेशर बनाया कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार कर लो, तो फिर उनकी तरफ से बड़ी वार्निंग आई, मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से बड़ी वार्निंग आई। साउथ अफ्रीका ने कहा कि अगर पुतिन पर किसी ने हाथ भी रखा तो फिर विश्व युद्ध हो जाएगा और कोई बचा नहीं सकता, और उनको सबको भुगतना पड़ेगा जो कोई भी पुतिन को गिरफ्तार करने की सोच रहे हैं, भले ही साउथ अफ्रीका में सोच रहे हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका की जो इस समय की सरकार है, सरकार के विरुद्ध वहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ कुछ कह रही हैं लगातार, इन्हें भी गिरफ्तार करो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हम पार्ट, और अपोजिशन का तो काम है, समझते ही कि अपोजिशन का काम है, वो किसी न किसी पॉइंट पर फंसाना चाहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पुतिन को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, ये तो कल की वार्निंग है। आज सूचना ये आई कि पुतिन वहां जाने वाले ही नहीं है। पुतिन एक अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे ब्रिक्स के जो ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करेंगे, बाकी कंट्रीज वहां पर जाएंगे, लेकिन पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर उस बैठक में होंगे। पुतिन सर, मतलब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी भारत, मतलब इंडिया, ब्राजील, चाइना और ब्राज़ील, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, साउथ अफ्रीका में पार्टिसिपेट करेगा, रशिया नहीं करेगा, रशिया ऑनलाइन करेगा, ये सूचना आई। अब उसको लेकर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, डर गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा मेरा मानना नहीं। पुतिन लंबे समय से किसी मीटिंग में नहीं जा रहे, जब से यूक्रेन का उनका रास्ता खुला है, यूक्रेन से आमना सामना हुआ है, तब से पुतिन किसी भी बैठक में नहीं जा रहे, और ये सबसे सही निर्णय भी होता है। किसी भी युद्धकालीन देश के राष्ट्राध्यक्ष को पब्लिक मीटिंग में नहीं जाना चाहिए, उसको पहले युद्ध की नीतियों के विषय में, देश के विषय में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद जब शांति काल आए तब दुनिया भर के प्रोसेशन किए जा सकते हैं। लेकिन पुतिन ने ये निर्णय करके, हालांकि कल ही की बात है, साउथ अफ्रीका ने लताड़ा था बहुत तेज यूरोपियन कंट्रीज़ को कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कह रहे हो, वैसा संभव नहीं है, और जो कोई भी ऐसा सोचता है तो युद्ध करना पड़ेगा और रशिया से युद्ध करना पड़ेगा और ये बंटवार हो जाएगा। लेकिन फिर भी पुतिन ने प्रिकॉशन के रूप में वहाँ जाना नहीं स्वीकार किया, लेकिन हड़कंप, यूरोपियन कंट्रीज़ तो अब उस पर इस डिसीजन के बाद लगातार प्रेशर ये भी बना रहे हैं कि आप वहाँ जो वो उनके पार्टिसिपेट भी ना करवाइए, वो तो क्रिमिनल हैं, वॉर क्रिमिनल हैं, ऑनलाइन भी कैसे, ये सब हड़कंप बड़ी तेज़ी से बचा हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी करना, पुतिन की गिरफ्तारी करने का मतलब आप समझते हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा और वर्ल्ड वार की तरफ निश्चित रूप से चला जाएगा, जैसा साउथ अफ्रीका ने कहा। लेकिन हड़कंप मचा हुआ है, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, दबाव शबाव बना रहे हैं, ये सब कुछ इस समय चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।